अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज़, मेरा नाम है अक्रम अली और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रेडमी 13C बाय शाओमी पाकिस्तान। इट इज़ गोइंग टू बी अ बजट डिवाइस, बट इसके अंदर तीन फीचर्स बहुत कमाल के होने वाले हैं। सबसे पहले तो दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसमें एक वेरिएंट है 4GB 128GB, इट्स गोना प्राइस एट 30,000 रुपीज़, और देन वी हैव 6GB 128GB, इट्स गोना प्राइस एट 33,000 रुपीज़। तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीन फीचर्स की बात करें, नंबर एक, इसमें कैमरा बहुत अच्छा है, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है और डिज़ाइन इस फ़ोन का बहुत खूबसूरत है। सो मेक श्योर यू वॉच वीडियो टिल दी एंड। शाओमी ने हमें एक पीआर बॉक्स भी भेजा है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रो पाकिस्तानीज, वी डू हैव दिस अमेजिंग गुड लुकिंग बॉक्स बाय शाओमी, और इसके अंदर हमारे पास है रेडमी 13C अलॉन्ग साइड अ सेल्फी स्टिक। भाई, दिस इज़ मी सेल्फी स्टिक, एंड बाय द वे मी की जो एक्सेसरीज़ हैं दे आर रियली रियली गुड, स्पेशली इनके जो पिस्टन हेडफोन्स हैं, आई एम यूजिंग देम फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो इसकी बात करें तो भाई, ये आपको आई डोंट थिंक सो फ़ोन के साथ मिलेगा। ये हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि वी हैव गॉट दिस इन साइड अ पीआर बॉक्स। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ गिम्बल एंड यू नो अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, सो इट्स अ मल्टीपर्पज थिंग। खैर, फ़ोन की बात करें तो यार, दिस कलर इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग, ठीक है। आई मीन दिस बॉक्स इज़ रियली गुड लुकिंग। साइड पे आपको PTA का मिलेगा स्टिकर, और उसके अलावा रेडमी की बड़ी सी ब्रांडिंग है। खैर, लिड को ओपन करते हैं और मेन चीज़ है हमारी जो हमें एक्साइट करेगी, वो है जी डिवाइस। बिल्कुल सामने एक बड़ा सा फ़ोन आपके पास निकल के आता है, आई मीन यार 32-33 हज़ार रुपये में इतनी गुड लुकिंग डिवाइस। खैर, बात करें अगर बाकी एक्सेसरीज़ की, सिम इजेक्शन टूल है, पेपर वर्क है, देन वी हैव अ चार्जिंग ब्रेक, एंड यार इस फ़ोन में टाइप सी पोर्ट है विच इज़ क्वाइट अमेजिंग, क्योंकि जो आजकल हालात चल रहे हैं उस हिसाब में इस प्राइस में टाइप सी की पोर्ट आनी नहीं चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू शाओमी, थैंक यू सो मच कि आप यूज़र्स का ख्याल रख रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइस। यस, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस डिवाइस, दिखने में बहुत खूबसूरत है यार। ट्रस्ट मी, कहीं से 30,000 का फ़ोन नहीं लगता ये। बैक इतनी मज़े की, साइड पे भी जो फ्रेम है वो काफ़ी प्रीमियम है, और फ्रंट की लुक तो ऑब्वियसली आई मीन इट्स अमेजिंग। तो मैं सबसे पहले इस फ़ोन को स्टार्ट करूँगा, सेटअप करूँगा, फिर ना मैं डिज़ाइन से बात स्टार्ट करूँगा, और फिर इसके सारे फीचर्स को कवर करूँगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपके पास एक बड़ी स्क्रीन है, डिज़ाइन बहुत मज़े का है, आई मीन वी हैव अ वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन, और यहाँ पे आपके पास 6.74 इंचेस का 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आ रहा है। आई मीन ये कैसे पॉसिबल है इन दिस प्राइस रेंज, कि एक तो फ़ोन दिखने में बहुत खूबसूरत, एंड देन वी हैव अ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले इन अ 30,000 रुपीज़ डिवाइस, वो भी जब डॉलर इज़ लाइक क्रिटिकल कंडीशन राइजिंग अपवर्ड्स। खैर, इस स्क्रीन के ऊपर आपको मल्टीमीडिया और इन चीज़ों का काफ़ी मज़ा आने वाला है। और बैक पे आते हैं, बैक पे जो कैमरा बम्प है ना, इसको आपने इजी नहीं लेना, उसकी वजह यह है यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंसर है। यहाँ पे आपके पास जो मेन सेंसर है दैट इज़ 50 मेगापिक्सल। अब आपको यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी मिलने वाली है इस रेंज के अंदर, दैट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, ड्यू टू द फैक्ट कि यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, एंड देन वी हैव 0.08 मेगापिक्सल ऑक्सिलरी लेंस। यहाँ पे आपके पास फ्लैश लाइट है, और इस कैमरा की अगर मोड्स की बात करें, सबसे पहले सेल्फ़ी कैमरा मैं आपको बता दूँ, सेल्फ़ी कैमरा इज़ 8 मेगापिक्सल। सो कैमरा मोड्स की अगर बात करें तो आपके पास टाइम लैप्स है, वीडियो है, फ़ोटो है, पोर्ट्रेट है, नाइट है, और 50 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मोड है। अगर आपने कोई आला किस्म की पिक्चर लेनी है तो आप उस डेडिकेटेड मोड के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, इस फ़ोन के अंदर जो डिज़ाइन, डिस्प्ले और कैमरा है वो तो है ही है अमेजिंग। जो आपके पास बैटरी है वो 5000 mAh की है, तो आपके पास जो फ़ोन का ओवरऑल पैकेज है ना 30 से लेके 33 हज़ार रुपये की रेंज में, आई मीन सिर्फ रैम का फ़र्क है तो इसको हम 30,000 कंसिडर करते हैं। ये फास्ट फ़ोन है। अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे मीडिया टेक हीलियो G85 है, ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है,
और ये अच्छी खासी सलाहियत रखता है आपके डेली के जो काम है उनको अच्छे तरीके से अंजाम देने में। सो ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी पैकेज। आई मीन बहुत बहुत सीन ऑन है इस फ़ोन का। तो आई मीन अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी या बजट डिवाइस की तरफ जाना चाहते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी योर मेन थिंग। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।